हेलो गाइस, गेजी गेमिंग इज़ हेयर अगेन विद द न्यू वीडियो ऑफ पबजी मोबाइल। होप के सब खैरियत से होंगे। तो पबजी ने आज एक और इवेंट दिया है गेम के अंदर, जिसके बारे में आपको मज़ीद डिटेल से बताते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। थैंक यू। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, आपका मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स बिगिन। गेम स्टार्ट करने के बाद आपने अपने इवेंट्स में जाना है। इवेंट्स में जाने के बाद आपने क्लिक करना है लवलीनेस ट्रेयर के ऊपर। लवलीनेस ट्रेयर के ऊपर आने के बाद आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे आउटफिट, काफ़ी सारे स्किन्स आपको नज़र आ रही होंगी। आपको इसके बारे में मज़ीद बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको आउटफिट दिखा देता हूँ कि आउटफिट किस टाइप के हैं। ये बनी है, बनी आउटफिट है, बनी आउटफिट। ये मज़े का आउटफिट लग रहा है मुझे, बनी आउटफिट। आपको ये आउटफिट कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट में। एक अच्छा आउटफिट है। अब आपको इसकी बियर की स्किन दिखा देते हैं। बियर की स्किन भी अच्छी है। दोनों आउटफिट काफ़ी कमाल के लग रहे हैं, लॉबी में अच्छे लगेंगे। आपको इन दोनों आउटफिट्स में से जो अच्छा लगा काइंडली उसके बारे में कमेंट में मुझे बताएं। बैक की स्किन भी देख लें, बैक की स्किन भी अच्छी है। ये आउटफिट के साथ मैच कर रही है जो मैंने पहले पहना हुआ है। अच्छी है, काफ़ी अच्छी स्किन लग रही है बैक की। दूसरे वाली इतनी अच्छी नहीं है, पहले वाली ज़्यादा अच्छी है। एरोप्लेन की स्किन भी काफ़ी अच्छी है। यूएजेड की स्किन देख सकते हैं, यूएजेड की स्किन भी इतनी मज़े की नहीं है, यानी कि ये नॉर्मल है। अगर आपके पास यूएजेड की स्किन पहले नहीं है तो आप इसको रिडीम कर सकते हैं अगर आपके पास यूसी है। अब मैं आपको दूसरे वाले ड्रेस और स्किन सिखाता हूँ, उसकी तरफ रोटेट मारते हैं। तो इधर भी टू आउटफिट्स हैं, वन बैक की स्किन है और एक हेलमेट और बस की स्किन और स्कारल की स्किन है। ये ड्रेसेस पहले क्लासिक रेट में भी आए हुए हैं, ये बैक भी स्किन भी क्लासिक रेट के अंदर आई हुई है। तो ड्रेस देख सकते हैं, डेक्स इतना मज़े का नहीं है जो पहले वाले बनी और बियर वाला है। तो ये दूसरा वाला आउटफिट भी देखते हैं, ये आउटफिट कुछ अच्छा लग रहा है मुझे। तो दोनों आउटफिट अच्छे हैं, स्कारल की स्किन भी अच्छी, लेकिन मुझे ये बैक की स्किन बहुत अच्छी लगी है। मेरे पास ये बैक की स्किन नहीं है तो मेरा तो दिल कर रहा है कि स्किन खोल लूँ। तो मज़ीद मैं आपको इस इवेंट की डिटेल के बारे में बताता हूँ कि आपको इसके में कितने यूसी चाहिए और कैसे ये सब चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉप पे 35 यूसी है इसके लिए, सेकेंड पे 70, थर्ड पे 108, फोर्थ पे 130, फिफ्थ पे 160 और सिक्स पे 190 यूसी है। तो आपको यहाँ पे कुछ कूपन वगैरह नज़र आ रहे होंगे, तो ये सिक्स आपको लाइन में नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको इन छह चीज़ों को निकालना है, उसके बाद ही आप इसमें से कोई चीज़ निकाल सकते हैं। तो इस एक चीज़ को रिडीम करने के लिए, एक स्किन या आउटफिट को रिडीम करने के लिए आपके पास ऑलमोस्ट 600 यूसी होना लाजमी है। तो ये टोटल 8 आइटम्स है, तो आपके पास 4800 यूसी, तो आपके पास 4800 यूसी होना लाजमी है ये एक एक ड्रेस को अचीव करने के लिए, एक साइड को अचीव करने के लिए। अगर आप इसको भी अचीव करना चाहते हैं तो आपके पास ऑलमोस्ट टोटली 10,000 यूसी आपके वॉलेट में होना लाजमी है, तभी आप इन दोनों को रिडीम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव इवेंट है। ऑलमोस्ट पहले पबजी जो ट्रेयर में देती होती है तो वो ये सारे कूपन वगैरह नहीं देती है। आपने ड्रग स्किन स्पिन चलानी है और आपके पास जो भी स्किन आएगी वो निकल आएगी। तो इस बार पबजी ने अपनी आवाम के साथ काफ़ी बड़ा खेल खेला, जिसके ज़रिए आप सिर्फ कूपन ही पहले निकलेंगे, उसके बाद ही एक आउटफिट या स्किन वगैरह निकलेगी। तो अगर आपको इन सब आउटफिट्स में से जो आउटफिट पसंद आया तो काइंडली कमेंट में मुझे बताएं आपको कौन सा आउटफिट पसंद आया। जो मुझे जो पसंद आया वो बनी वाला है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। थैंक यू।